माँ, इस बार मैं भैया के लिए कार्टून वाली राखी लाऊंगी। मैंने स्कूल से आते वक्त बाजार में देखी थी। हाँ हाँ बेटा, जरूर ले लेना। गुड्डी और उसकी माँ सुशीला राखी खरीदने बाजार की ओर निकल जाते हैं। बाजार पहुंचकर वह एक दुकान पर जाते हैं। माँ ये देखो, यह वाली राखी चाहिए मुझे। माँ यह दिला दो मुझे। हाँ बेटा, भैया ये राखी कितने की है? ये राखी 60 रुपए की है, कर दूं बहन जी पैक? नहीं भैया, मेरे पास 60 रुपए तो नहीं है, केवल 10 रुपए ही है। क्या, बस 10 रुपए? अरे भाई, जब पैसे ही नहीं थे तो राखी खरीदने क्यों आ गए? हमारा भी समय फालतू में बर्बाद कर दिया। चल जाओ अब यहाँ से। दोनों माँ बेटी वहाँ से उदास मन से चले जाते हैं और थोड़ी ही दूर पर एक राखी की दुकान से 5 रुपए का कलावा खरीद लेते हैं। गुड्डी घर जाते हुए एक हलवाई की दुकान पर रुकती है। माँ, मैं भैया के लिए कार्टून वाली राखी तो नहीं खरीद पाई, लेकिन भैया को मिल्क केक वाली मिठाई खूब पसंद है, वो तो दिला दो। बेटा, मेरे पास तो अब केवल 5 रुपए ही बचे हैं, इतने में यह मिल्क केक वाली मिठाई तो नहीं आएगी। गुड्डी उदास हो जाती है और अपनी माँ से बोलती है, क्यों माँ, हम हमेशा अपनी राखी अच्छे से क्यों नहीं मना पाते हैं? हमारे पास कभी भी कुछ भी नहीं होता। सभी लोग नए नए कपड़े पहनकर अपने भाइयों को अपने मनपसंद राखी बांधते हैं और मिठाइयाँ खिलाते हैं। बेटा, उन लोगों जैसे हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। सुशीला मन ही मन अपने आप को भी दिलासा देती है। सुशील और गुड्डी घर आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और राखी का त्योहार आ जाता है। सभी बड़े लोगों के घरों में बहन अपने भाइयों को राखी बांधती है और मिठाई से अपने भाइयों का मुंह मीठा कराती है। भाई भी बहन को उपहार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ गरीब सुशीला के घर में गुड्डी अपने भाई मोनू को राखी की जगह कलावा बांधती है और मिठाई की जगह चीनी से उसका मुंह मीठा करती है। माफ करना भैया, मैं आपके लिए आपकी मनपसंद मिठाई और राखी नहीं ला पाई। कोई नहीं बहना, तूने इतने प्यार से राखी बांधा और चीनी से मेरा मुंह मीठा करवाया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। देख, मैं भी तो तेरे लिए कोई उपहार ना ला सका, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। ये बच्चे गरीबी में कैसे जीते हैं ये सीख चुके हैं, गरीबी ही इन्हें इतना समझदार बनाती है। दोनों बच्चे अगले दिन स्कूल जाते हैं। देखो मोनू, ये घड़ी मेरे भैया ने दी है, पूरे 2000 रुपए की है। देखो गुड्डी, मेरी राखी सभी बच्चों से कितनी बढ़िया लग रही है, ये मेरी दीदी कोलकाता से लाई है। सभी बच्चे कक्षा में अपनी राखी और उपहार आपस में दिखाते हैं। वहीं गुड्डी और मोनू एक कोने में बैठे होते हैं। जो जी, हम अपने बच्चों को जो नई नए कपड़े दिला पाते, ना ही उनके लिए कुछ कर पाते। मुझे बहुत दुख पहुँचता है यूँ बच्चों को छोटी छोटी चीजों के लिए तरसता देखकर। सुशीला, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम जानती ही हो मैं एक फैक्ट्री में एक मामूली वर्कर हूं, मुश्किल से 150 से 200 रुपए दिन का कमा पाता हूं। उसमें घर का खर्च, बच्चों की स्कूल फीस, दूध सब्जी सब कुछ मैं उसी से चलाता हूं। इससे ज्यादा और मैं क्या कर सकता हूं? दोनों पति पत्नी बातें करते हैं और उदास मन से चुप हो जाते हैं। ऐसे ही गरीबी में एक साल और बीत जाता है। फिर से राखी का त्योहार आने वाला होता है। बच्चों, आप सभी जानते ही हो राखी आने वाली है, तो इस बार हम स्कूल में राखी बनाने का कंपटीशन रख रहे हैं और जिसकी भी राखी सबसे अच्छी हुई उसको स्कूल की तरफ से प्राइज भी मिलेगा। दोनों बच्चे स्कूल से घर आते हैं और अपनी माँ को सब कुछ बताते हैं। लेकिन बच्चों, तुम्हें राखी बनाने के लिए बाहर से सामान खरीदना होगा, वो कैसे लाओगे तुम? माँ, उसकी चिंता आप मत करो, वो हम बना लेंगे। दोनों बच्चे घर में फटे पुराने कपड़े लेते हैं और घर से ही कलावा लेते हैं। दोनों बच्चे कपड़ों में से छोटे छोटे मोती निकाल लेते हैं और एक खूबसूरत सी राखी बना देते हैं। देखना गुड्डी, यह राखी कंपटीशन तो हम ही जीतेंगे।
अगले दिन दोनों राखी स्कूल ले जाते हैं और दोनों की राखी स्कूल में सभी को खूब पसंद आती है और दोनों बच्चों को कंपटीशन जीतने पर ट्रॉफी भी दी जाती है। दोनों बच्चे ट्रॉफी लेकर घर आ रहे होते हैं तो वह देखते हैं बाजार में राखी की दुकानों पर भीड़ लगी होती है। वहां उन दोनों के दिमाग में एक विचार आता है। दोनों घर पहुंचते हैं और माँ को ट्रॉफी दिखाते हैं। माँ, हमने सोचा है कि हम घर से ऐसे ही राखी बनाकर बाहर बाजार में बेचें। तो जब स्कूल में हमारी राखी सबको इतनी अच्छी लगी तो मुझे लगता है बाहर लोगों को भी हमारी राखी खूब पसंद आएगी। हाँ माँ, स्कूल में सबने हमारी राखी खूब पसंद करी है तो लोग भी हमारी राखी जरूर खरीदेंगे। सुशीला मान जाती है और घर में रखे हुए पुराने कपड़ों से रंग बिरंगी कई सारी राखियां बनती हैं। और अगले ही दिन से तीनों माँ बेटी और बेटा राखी का एक छोटा सा दुकान लगाकर राखी बेचने लगते हैं। आओ आओ, रंग बिरंगी हाथों से बनी राखी ले जाओ। आइए आइए, मात्र 20 रुपए में सुंदर सुंदर राखियां ले जाइए। तीनों लोग राखी बेचते हैं लेकिन कोई भी उनकी राखी खरीदने नहीं आता। इसी तरह आधा दिन बीत जाता है। हमारी राखियां इतनी अच्छी हैं, कोई भी हमारी राखी नहीं खरीद रहा। हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। नहीं भैया, हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। हे भगवान, अब तू ही कुछ कर। और कब तक तू गरीबों के ऊपर से अपनी आंखें बंद रखेगा? मेरे बच्चों की मेहनत बर्बाद ना जाने दे भगवान। इस साल भी मैं अपने बच्चों को तलसते हुए नहीं दे सकती। सुशीला मन ही मन बड़बड़ा ही रही थी कि मार्केट में एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक लड़की निकलती है। अरे वाह, हाथों से बनी राखियां। यह राखियां तो बाजार में बिक रहे सारे राखियों से काफी ज्यादा सुंदर है। मेरे दोनों भाइयों को यह खूब पसंद आएगी। लीजिए आपकी राखी, आपके 40 रुपए हुए। अरे इतनी सुंदर राखियां केवल 40 रुपए में? क्या करें मैम साहब, 3 दिन से राखी बेच रहे हैं। आप ही हमारी पहली ग्राहक बनी हैं। हमारी राखियां बिक ही नहीं रही है। वह लड़की आसपास देखती है और समझ जाती है कि इनका काम क्यों नहीं चल रहा है। देखिए, मैं जानती हूँ क्यों आपका काम नहीं चल रहा। मैं व्यापार को बढ़ाने में मदद करती हूँ, ये मेरा पैसा है। मैम आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। जी आप देखो, इस जगह कितने सारे राखी के दुकानदार हैं। तो जाहिर सी बात है, लोग जहाँ ज्यादा वैरायटी होगी वहीं से खरीदेंगे राखी। आपको ऐसी जगह अपनी दुकान लगानी चाहिए जहाँ राखी वाला बहुत कम हो या ना के बराबर हो। जी मैम सर, मैं समझ गई, धन्यवाद आपका। वह लड़की राखी लेकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सुशीला एक ऐसी जगह पर अपनी दुकान लगाती है जहां पर कोई भी राखी वाला नहीं था। कुछ ही समय बीता था कि सुशीला के दुकान पर ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। उस लड़की की बात सही हो जाती है। देखते ही देखते सुशीला की सारी राखियां बिक जाती हैं और सुशीला काफी पैसे कमा लेती है। सभी घर वापस आते हैं। सुशीला बच्चों के लिए नए कपड़े, राखी और मिठाइयां लाती है। इस बार दोनों बच्चे नए कपड़े पहनकर बहुत खुश होते हैं। गुड्डी अपने भाई को राखी बांधती है और उसकी पसंदीदा मिठाई भी खिलाती है। लो भैया, आपको मैंने इस पर कार्टून वाली राखी बांधी थी। हाँ गुड्डी, ये ले तेरा उपहार। सुशीला और रामलाल अपने बच्चों को खुश देखकर बहुत खुश होते हैं। सुशीला बचाए हुए पैसों में से एक छोटी सी राशन की दुकान खोल लेती है और सब खुशी खुशी रहते हैं।